दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो इस टावर के बारे में बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक पाम ट्री टावर है, ठीक है। इस टावर को इसलिए लगाया जाता है कि ताकि वहाँ के जो लोकल जो पीपल है, लोकल जो लोग हैं, वो यूज़ ना करें टावर लगाने के लिए। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, अगर आप टेलीकॉम में काम किए होंगे तो टावर लगाने नहीं देता है आदमी, वो रेडिएशन के कारण। बोलते हैं कि इससे ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, इससे बच्चे और जो औरत रहता है उसके लिए ये हानिकारक पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजिकली बैंड यूज़ किया जाता है वो गवर्नमेंट से अप्रूव रहता है, तो ऐसा हानिकारक नहीं करता है, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ। ये तो एक पाम ट्री टावर है, आप हम देख सकते हैं, ये एक पूरा एक बनाया हुआ टावर है, ठीक है। अगर इसको आप जूम करके देखेंगे, देखिए ये इसका जो पूरा जो आपका ये जो बनाया, देखिए यहाँ से नट बोल्ट से इसको टाइट किया गया है, ठीक है। इस पत्ते को, जो भी पत्ते आप देख रहे हैं, ये पत्ते ओरिजिनल नहीं है, सभी डुप्लीकेट है। इसको जो है नट बोल्ट से इसको टाइट किया गया, देखिए नट बोल्ट से टाइट किया गया है, ठीक है। ये एक मोनोपोल की तरह एक साइट है, ठीक है, लेकिन इसको हम मोनोपोल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन पूरा ये देखिए इस तरह का बनाया गया, ये डिज़ाइन किया गया है, ये पोल है पूरा ये आपका, ठीक है, ये पूरा पोल है आपका, ठीक है। और अंदर, इसके अंदर से आपका इसका फीडर आया है, पावर केबल आया है, इसके लिए आया है। इसमें तीन, इसको हम लोग GSM एंटीना बोलते हैं, ये जो तीन लगा हुआ है एक सेक्टर के लिए है। यहाँ पर जो है देखिए रेडियो है, फ्लैग जी रेडियो है, नोकिया का रेडियो का इस्तेमाल किया गया है, फ्लैग जी रेडियो है ये। यहाँ पे भी तीन GSM एंटीना है, और ये GSM एंटीना से देखिए यहाँ पे फीडर और जम्पर केबल कनेक्ट किया हुआ है, और इसी से जो है इसका पाइप माउंट लगाया गया है, पाइप माउंट से इसका सेक्टर बनाया गया है, और देखिए इस तरह से पीछे से कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके एरिया में ये देखने में भी अच्छा लगता है, आपके घर के पास अगर ऐसा टावर लगा हुआ, पाम ट्री टावर लगा हुआ है, मोबाइल टावर, तो देखने में भी सुंदर लगता है और लोग इसको इशू नहीं करता है, ठीक है, एक ब्यूटीफुल लुक बन जाता है इस एरिया के लिए। तो इस तरह का आजकल पाम ट्री टावर हम लोग लगाते हैं लोगों से बचाने के लिए, लोगों को इशू से बचने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेरा वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, धन्यवाद।